और नष्ट कर देने का गुण पाया जाता है। जैसे ये पैथोजन घूम रहा है, मतलब ये दोनों ट्रैकर है, क्या है ये? कोई भी असामाजिक तत्व अगर घूम रहा है रात को, तो ट्रैकर उसके पास जाएगी और अपने पीछे की डिग्गी में और ले जाएगी और बढ़िया उसकी धुलाई करके उसकी सर्विस करेगी। यस सुनो तो यही ये काम करती है कि ब्लड के अंदर इस तरह से अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व घूम रहा है जो हमारे शरीर का नहीं है, तो मोनोसाइट नाम की ट्रैकर यहाँ आएगी, न्यूट्रोफिल नाम की ट्रैकर आएगी, वो आकर के इससे पूछेगी भाई कौन कहाँ से आया। ये बता नहीं पाएगा कहाँ से आया, कि मैं लीवर से आया कि स्टोमक से आया, इसको याद ही नहीं है कहाँ से आया। यस और नो? क्योंकि ये आया ही नहीं वहां से, तो इंटेस्टाइन से भी नहीं आया। ये बोलेगा मैं तो सिंगापुर से आया हूँ, गलती से घुस गया अंदर। यस और नो? तो ये तुरंत यहां से पकड़ के और क्या करेगी, इसको अंदर ले लेगी, और अंदर लेने के बाद इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसको नष्ट कर देते हैं। इस तरह से ये दोनों सेल शरीर को साफ सुथरा बनाए रखने का कार्य करती है, इसलिए मोनोसाइट को शरीर की सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या बोला जाता है मोनोसाइट को? यानी कि स्कैवेंजर सेल। क्या बोला जाता है बेटा? स्कैवेंजर सेल, शरीर की सफाई कर्मी, ब्लड की सफाई कर्मी। ये दोनों फैगोसाइटी के एंगल्फ करके निगल जाती है। क्या कर जाती है? एंगल्फ या निगल जाती है। किसको किसको निगल जाती है? रोग जनक या पैथोजन को। किसको? तो इम्यूनिटी कितनी प्रकार की पढ़ाई मैंने, नंबर वन और नंबर टू। क्या देख रहे हैं? यस, गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। देखिएगा, हम लोगों ने बात की बेटा कि बॉडी में किस किस तरीके के डिजीज होते हैं। पहले चैप्टर में हमने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया, दूसरे चैप्टर के अंदर नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया, ठीक। अब इसके अंदर हम दो डिजीज और पढ़ाएंगे आपको, और वो होगा हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है ना, इसमें एक तो एड्स और एक कैंसर, ये दोनों डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ाएंगे कि डिजीज से बचने के लिए क्या हमारे शरीर में भी कुछ होता है। जब भी कोई पैथोजन या रोग जनक अगर हमारे ऊपर अटैक करता है, तो क्या हमारा शरीर उसको रोकने की क्षमता रखता है? हमारे शरीर में डिजीज को रोकने की इसी कैपेसिटी को बोला जाता है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा। ताकि हमारी बॉडी पर अगर कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो हमारा बॉडी उसका विरोध करे, उसको रोके, इसे क्या बोला गया? इम्यूनिटी या फिर। तो भाई साहब, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का प्रतिरक्षा होता है मुख्य रूप से। कितने प्रकार का? सबसे पहली बात हम करेंगे ऐसा इम्यूनिटी जो आपके पास पैदाइशी गिफ्ट में आया, यानी कि जो जन्मजात होता है उसको हम कहेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी कि इनेट इम्यूनिटी। क्या बोला जाएगा? इनेट या फिर जन्मजात। ऐसा इम्यूनिटी जो पैदा होने के बाद आपके शरीर ने खुद अर्जित किया, जो हमारे शरीर ने खुद ही बनाया, उसको हम कहेंगे बेटा एक्वायर्ड। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोला जाएगा? तो इम्यूनिटी कितने टाइप का? नंबर वन बोले तो, और दूसरा
अर्जित किया हुआ, एक्वायर्ड किया हुआ, जो हमें पैदा होने के बाद हमारे शरीर ने बनाया। रोगों के प्रति लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू जस्ट डिक्रीज द डिजीज कंडीशंस इन टू एक्वायर द डिजीज कंडीशंस एंड दे आवर बॉडी कैन बी जस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट देम। तो दिस एंटीबॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को हमने इम्यूनिटी कहा। हमारे शरीर में दो प्रकार से ये इम्यूनिटी आता है, जन्मजात आया तो, और यदि अगर पैदा होने के बाद आया तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी, यानी कि मेरे दोस्त, इननेट इम्यूनिटी यानी कि हमारे शरीर में किसी भी पैथोजन की एंट्री को, रोगजनक की एंट्री को रोकने के लिए जो फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? फिजिकल तो बैरियर्स, तो ये इम्यूनिटी एक प्रकार से क्या पैदा करती है? बैरियर्स पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। यदि कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में घुसना चाहे ना, तो उसके प्रति रुकावट पैदा करने वाली इम्यूनिटी को हम क्या बोल देंगे? तो इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार से क्या है? बैरियर पैदा करने वाली इम्यूनिटी, रुकावट पैदा करने वाली। अरे यस ओ नो? तो साहब हम क्या कहें, रुकावट किस किस से पैदा हुई? तो सुनिएगा, हमारा शरीर सबसे पहले इज लाइक दैट अ बोतल। हमारा शरीर एक बोतल की तरह है, कैसा है? बॉडी इज लाइक दैट अ बोतल। ये हमारा चेस्ट एरिया, ये और ये एब्डोमेन और ये पेल्विक कैविटी और ये दोनों पैर और ये आपका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड। फोटो बना नहीं बना आपका? बन गया ना? कोई गलती नहीं है? सुनो बात को अब ध्यान से। इसके अंदर यू नो दैट ये होते हैं भाई साहब लंग्स होते हैं। ये है आपकी ईसोफेगस, इसके पीछे से निकल के आ रही है, और ये स्टोमक और ये इंटेस्टाइन। इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव के, पाचन तंत्र के ऑर्गन है, ये फेफड़े हैं। अरे या सुनो, ये दोनों आंखें, आंखों में क्या है? आंसू है। क्या है? ये मुंह है, मुंह में क्या है? सलाइवा है, लार है। क्या है? मुंह में लार है, आंखों में आंसू है। बात समझ में आया? सर ये क्या समझा रहे हो आप, नहीं आया कुछ भी। तो देखो ध्यान से बात सुनो, मैंने कहा कि बॉडी इज लाइक दैट अ बॉटल, किसकी तरह है? ये बॉडी का सबसे बाहरी कवर स्किन कहलाता है, त्वचा कहलाता है। इसी तरह बॉडी के अंदर भी एक कवर है, इस कवर को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, श्लेष्म झिल्ली। क्या बोला जाता है? जैसे हमारा पूरा ही पाचन तंत्र है ना, वो अंदर से पूरा एक केविटी की तरह है, गुफा की तरह है। उसके अंदर कुछ भी चीज जाएगी, तो कोई भी चीज जाएगी, ये इसको इधर घुमाना था ना, उधर घुमा दिया, पूरा मरवाएगा क्या, पागल हो रहे हो, घुमाओ इसको। मैं सोचू भाई क्या हो रहा है ऐसा, बस ये ना रुक कैसे नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसे करके मैंने इधर देख लिया, इसको चला दिया, फिर भी मैंने कहा यार आराम आ नहीं रहा। ये कूलर तुम्हारे सबकी हवा कर देता है यार, कम से कम ये तो बक्सो मास्टर के लिए, मर जाएगा नहीं तो मास्टर कौन पढ़ाएगा तुम्हें। तो मैंने कहा कि ऐसे करके मुंह में कुछ डाला खाने पीने का आइटम, तो वो सीधा जीआईटी में गया, पाचन तंत्र में गया। अब पाचन तंत्र में गया तो क्या हुआ,
अंदर से पूरा पाचन तंत्र इस तरह से है, ऐसा हमारा स्टोमक है या आमाशय, तो इसके अंदर भर गया, तो यहाँ केविटी एक लेयर होती है और इस लेयर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, और यह बाहर स्किन है। तो यदि कोई भी रोगजनक अगर शरीर में घुसना चाहेगा तो या तो वो इस स्किन से घुसेगा या तो ऐसे घुस सकता है, ब्लड तक कैसे जाएगा, ब्लड तक तो या तो इस स्किन से जाएगा और या फिर खाने पीने की चीजों में अंदर आ गया तो फिर इस म्यूकस मेम्ब्रेन से होके पार होके ब्लड में जाएगा। या सुनो, ये दो ही रास्ते से ब्लड में पहुंच सकता है, इसके अलावा तो ब्लड में डायरेक्ट जाने का कोई तरीका, या फिर कोई इंजरी हो जाए, कट हो जाए तो ब्लड डायरेक्टली घुस जाए, या कोई आप इंजेक्शन लगाओगे तो सीधा ब्लड में, ये तरीका है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि रोग जनक एंट्री करने से रोकने के लिए जन्मजात रूप से ऐसे बैरियर पाए जाते हैं जो इन पैथोजेंस को घुसने से, भाई साहब की फिजिकल बैरियर, कौन से बैरियर, शारीरिक बैरियर जैसे कि स्किन और म्यूकस स्लैश्म झिल्ली और हमारी त्वचा, दो ऐसे ऑर्गन हैं जो पैथोजन को अंदर जाने से रोक देते हैं। आ जा तेरी जरूरत ही, भगा उसको, भगा भगा, ये क्लास की आवाज सुन लियो, इनको थोड़ी एंट्रेंस देना है। किसी के दोस्त वोस्त नहीं है ना, फिर ये एंट्रेंस क्लास में कैसे घुस रहे हैं, फॉर्म वॉर्म भर दिया हो इन्होंने भी। तो हमने कहा कि इस तरीके से भाई साहब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन को रोकने के लिए स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, समझ गए कि नहीं समझे, तो ये तो पैदाइशी आई स्किन, तो आपने बनाई क्या, अरे ये सुनो ढंग से बोलो, हाँ हाँ पूरी करो, हाँ या ना, हाँ या ना, तुमने बनाई, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पैदाइशी है, तो ये कौन सी इम्यूनिटी का पार्ट हुआ, और ये एक तरह का बैरियर पैदा कर रही है घुसने से प्रति, अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होती ना, स्किन वाटरप्रूफ है कि नहीं है, अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होती तो बारिश में तुम भीग जाते तो ऑटो में पटक के घर छोड़ना पड़ता क्योंकि स्किन पानी चूस जाती, या तुम बाथरूम में नहाने के लिए तो अपनी मर्जी से घुस जाते लेकिन वापस निकल क्योंकि दरवाजा छूटा, क्योंकि जितना पानी ढुलाते आप अपने आप पे ये स्किन क्या करती, पानी को चूस जाती, तो कभी तुमने सोचा ये वाटरप्रूफ है, लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्प्शन होता है, तभी तो जो खाते पीते हो वो ब्लड में चला जाता है एब्जॉर्ब होके, अवशोषण होता है ना इसमें, जो खाते पीते हैं वो सारा ब्लड में इसी से जाता है, और ये दोनों पैथोजेंस के प्रति अवरोध पैदा करती है, बैरियर पैदा करती है, और ये पैदाइशी है इसलिए। अच्छा ये बताओ, क्या आंखों में आंसू जो आते हैं वो पैदाइशी होते हैं ना, अपने आप ही ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि जब भी कोई दुख दर्द आएगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, या आंखों में कुछ कचरा चला जाएगा तो अपने आप ही आंसू आ जाएंगे, आप थोड़ी बटन दबाते हो कि आंसू आ, ऐसा तो कुछ नहीं करते ना, अपने आप ही आएगा ना, और मुंह में जब भी खाने पीने की चीज खाओगे पियोगे सुनोगे करोगे उसके बारे में, जैसे मैंने अभी कचौरी का नाम लिया, तुम्हारे मुंह में लार आई कि नहीं आई, जिसके आ गई उसका बिल्कुल सही है पूरा सिस्टम, और जिसके नहीं आई वो किसी डॉक्टर को कहीं सलाइवरी ग्लैंड्स काम नहीं कर रही है उसकी, यस और नो, मतलब जब भी खाने पीने की चीज का नाम सुनेंगे मुंह में लार अपने आप आ जानी चाहिए, या खाएंगे तभी पूरा उसके साथ मिक्स होगा, तो ये भी भाई साहब जन जाते अपने आप का रहा है। स्टोमक के अंदर
स्टोमक के अंदर खाना खाने के बाद भाई साहब बनता है एसिड, क्या बनता है? एसिड बनता है, अम्ल बनता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये इतना पावरफुल होता है, लगभग इसकी पीएच होती है 1.5। पीएच स्केल जानते हो? लगभग इसकी 1.5 पीएच होती है। अगर इसको हाथ पे ऐसे डाल दे इसकी एक बूंद, तो ये इधर निकल जाएगी। ठीक, इतना पावरफुल होता है। लेकिन फिर भी ये हमारे स्टोमक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड, और श्लेष्मा की एक लेयर पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हम खाने के साथ में कुछ पैथोजन खा जाते हैं, तो ये एसिड उन पैथोजन की चटनी बना देता है। मार देता है, यानी कि इंसान कुछ भी खा जाए सब पच जाएगा अंदर जाके। डू यू अंडरस्टैंड? तो भाई साहब ये भी जन्मजात ही है ना, खाना खाते ही तुम बटन बटन तो नहीं दबाते हो ना? अरे यस और नो? तो मेरे साथियों, ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं, कार्यात्मक तरीके की क्रियाएं हैं। ये तो फिजिकल थी क्रियाएं, लेकिन ये फंक्शनल है, फंक्शन से रिलेटेड है, कार्य से रिलेटेड है, क्रियात्मक एक्टिविटीज हैं शरीर की, कि जब कोई सिचुएशन आएगी तभी ऐसा स्टिमुलेशन होगा। तो दूसरे बैरियर पाए जाते हैं मेरे साथियों, फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन से? फिजियोलॉजिकल। कौन से बैरियर? तो हमने कहा इननेट प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा का पहला संसाधन क्या है? दूसरा है फिजियोलॉजिकल, यानी शरीर की फिजियोलॉजी भी पैथोजन को मारने का कार्य करती है। अंडरस्टैंड? तीसरी बात, हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। अभी पहले तो जैसे बाहर से इन्होंने नहीं घुसने दिया, अगर घुस गया तो फिर ये नहीं छोड़ेंगे। अगर इनसे लड़ लिया और फिर घुस गया और शरीर के ब्लड में पहुंच गया, तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसी सेल्स पाई जाती है जो उस पैथोजन को पहचान करके और डायरेक्ट खा जाती है। हमारे शरीर में बाहर से आने वाली हर चीज एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। हमारा शरीर सिर्फ हमारी ही चीजों को पहचानता है, और इनका शरीर इनकी, इनका इनकी, इनकी 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 हर व्यक्ति की जो शरीर के अंदर का फिजियोलॉजी है, टिश्यू है, सबका स्पेसिफिक है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किसी का बी है, किसी का ए बी है तो किसी का ओ है। या सुनो, तो मैंने कहा कि भाई साहब हमारे शरीर में एक तो मोनोसाइट, क्या नाम है? मोनोसाइट, और एक न्यूट्रोफिल, क्या नाम है? कौन है ये? दोनों क्या हैं? किसकी सेल्स हैं? ब्लड सेल्स हैं। रक्त में पाई जाने वाली ये दो कोशिकाएं, इसको पीएमएन सेल भी कहते हैं, पीएमएन सेल, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे बहुत सारे लोब का बना होता है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। हमारे शरीर की ये दोनों सेल जो होती है बेटा, ये दोनों ही फेगोसाइटिक होती है। कैसी होती है? का मतलब होता है ऐसी सेल जिसमें किसी को निगल के और नष्ट कर देने का गुण पाया जाता है। जैसे ये पैथोजन घूम रहा है, मतलब ये दोनों ट्रैकर है, क्या है ये? कोई भी असामाजिक तत्व अगर घूम रहा है रात को, तो ट्रैकर उसके पास जाएगी और अपने पीछे की डिग्गी में
और ले जाएगी और बढ़िया उसकी धुलाई करके उसकी सर्विस करेगी। यस और नो? तो यही ये काम करती है कि ब्लड के अंदर इस तरह से अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व घूम रहा है जो हमारे शरीर का नहीं है, तो मोनोसाइट नाम की ट्रेकर यहाँ आएगी, न्यूट्रोफिल नाम की ट्रेकर आएगी, वो आकर के इससे पूछेगी भाई कौन कहाँ से आया। ये बता नहीं पाएगा कहाँ से आया कि मैं लीवर से आया कि स्टोमक से आया, इसको याद ही नहीं है कहाँ से आया। यस और नो? क्योंकि ये आया ही नहीं वहां से, तो इंटेस्टाइन से भी नहीं आया। ये बोलेगा मैं तो सिंगापुर से आया हूँ, गलती से घुस गया अंदर। यस और नो? तो ये तुरंत यहां से पकड़ के और क्या करेगी, इसको अंदर ले लेगी। और अंदर लेने के बाद इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसको नष्ट कर देते हैं। इस तरह से ये दोनों सेल शरीर को साफ सुथरा बनाए रखने का कार्य करती है, इसलिए मोनोसाइट को शरीर की सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या बोला जाता है मोनोसाइट को? यानी कि स्कैवेंजर सेल। क्या बोला जाता है बेटा? स्कैवेंजर सेल, शरीर की सफाई कर्मी, ब्लड की सफाई कर्मी। ये दोनों फैगोसाइटी के एंगल्फ करके निगल जाती है। क्या कर जाती है? एंगल्फ या निगल जाती है। किसको किसको निगल जाती है? रोग जनक या पैथोजन को। किसको? तो इम्यूनिटी कितनी प्रकार की पढ़ाई मैंने, नंबर वन और नंबर टू। इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? दे आर प्रेजेंट विद बर्थ, जन्मजात। दे एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड। जो जन्मजात है, इनेट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? और बैरियर में सबसे पहले बैरियर जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरे टाइप के फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि इनमें सबके अंदर प्रतिरक्षा का गुण होता है। आंख में जब कोई भी पैथोजन चला जाए तो आंखों के अंदर एंटीबॉडी होती है और वो उसको नष्ट कर देती है। ऐसे ही हमारी लार में भी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इन दोनों में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन ए। कौन सी? इसको ऐसे ही याद करना, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA, IgA, ओके। इसमें एसिड होता है और ये किल कर देते हैं। थर्ड, मैंने कहा कि शरीर के ब्लड में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो पैथोजन्स को नष्ट कर देती है। बताइए जरा उन सेल के नाम। ये कैसे किल करती है पैथोजन को? फेगोसाइटोसिस के द्वारा, यानी कि एनगल्फ निगल जाती है और इनके अंदर के एंजाइम इनको किल कर देते हैं। बात क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं? नंबर फोर, यदि अगर मेरे साथियों एक और बात सुनना, जो वायरसेस होते हैं, विषाणु होते हैं, जब ये इंफेक्शन कर देते हैं या बैक्टीरिया इंफेक्शन कर देते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं ही इन वायरसेस के अगेंस्ट में विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? विशेष प्रकार के प्रोटीन्स बना देती है, जिन प्रोटीन्स में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने की क्षमता पाई। बनने वाली इन प्रोटीन्स को साइटोकाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइंस। क्या बोला जाता है बेटा? साइटोकाइन। तो जब भी कोई इंफेक्शन सेल, एजेंट या पैथोजन शरीर में घुसता है, तो शरीर की कोशिकाएं उसके प्रति एक प्रोटीन बना देती है, जो प्रोटीन उनकी उस पैथोजन से रक्षा करता है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? साइटोकाइंस।
क्लियर है बात सबको, इधर से बात समझ रहे हो बेटा सब? ये है हमारे कौन से इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के सोर्स, प्रतिरक्षा के, बचाव के उपाय जो हमें बचा रहे हैं। आपको इनके बारे में एहसास नहीं था ना कि यार ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, मतलब सिलेबस तो आपका वही है जो आपने 12वीं में पढ़ा, लेकिन बस अंतर इतना आ रहा है कि मैं उसको एहसास करवा रहा हूं, दिल में उतार रहा हूं। यस नो, मतलब आपको महसूस करवा रहे हैं कि हाँ ये बात है, आपको फील करवा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी बात है, हमारे सिलेबस में ये भी था क्या? आपका सिलेबस बहुत जबरदस्त सिलेबस है, पता है आप? मतलब यूं सोचो कि थोड़ा 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 ज्ञान उसमें सारा है, पूरा कंप्लीट, ट्वेल्थ क्लास की जो बुक है कंप्लीट ज्ञान से सरगुण संपन्न है। डू यू अंडरस्टैंड? तो मेरे साथियों, बस आपको ध्यान से इन बातों को अपने दिमाग से, दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग से दिल में जो बात उतर गई ना वो कभी भूलोगे नहीं। बात जब ही भूलने की संभावना होती है जब तक वो दिमाग में रहती है, और अगर दिल में एक बार कोई चीज उतर गई तो फिर नहीं भूलती। ये तो तुम लोगों ने एहसास कर ही रखा होगा। अरे यस सुनो, बात जब तक दिमाग में है जब तक उसके भूलने की संभावना है, वो भूली जा सकती है, लेकिन अगर वो दिमाग से दिल में उतर गई तो नहीं भूलेंगे। फिर तो या तो दिल वाले लिखी जाएगी या तेरे नाम लिखी जाएगी। यस और नो? तो पढ़ाई से दोस्ती कर लो, यही आपकी सब कुछ है, और इसको यहां तक सीमित मत रखो, यहां उतारना शुरू कर दो, एहसास करो इसको। जैसे मैंने कहा कि यार ये स्किन क्या काम आती है, ये सिर्फ कलर वलर प्रदर्शित करने के काम ही नहीं आती है, ये आपके अंदर विटामिन डी भी बना रही है, ये आपके अंदर पैथोजन को घुसने से भी रोक रही है, ओके, यानी बहुत सारे काम कर रही है, ये आपके अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी कर रही है। अगर ये स्किन नहीं होती तो सोचो आप क्या होता। किसी दिन सिटी मॉल जाते और पता चलता किसी दिन किडनी गिर गई, किसी दिन यूरिन की थैली गिर जाती और उस दिन तो हद ही हो जाती भाई साहब, जिस दिन दिमाग गिर जाता। अगर स्किन नहीं तो प्रोटेक्ट कर रखा सबको अंदर सेफ नहीं होती तो फिर ये कवर है पूरा, आपकी बॉडी का कवच है ये, जिसने अंदर के सारे ऑर्गन्स को बचा रखा है। नहीं होती तो गर्मी डायरेक्ट दिमाग पे पड़ती, ये सुनो, तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता जो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? अब हुआ क्या भाई साहब, दूसरी इम्यूनिटी, बच्चा आ गया, पैदा हो गया, अब ये बड़ा होगा, इस संघर्ष भरी दुनिया में बायो लेगा, आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, इसने डिसीजन कर लिया कि इसको बनना है, बायो वायो लेनी है, तो ये इस संघर्ष भरी दुनिया में आगे बढ़ना शुरू किया इसने। बढ़िया बात है भाई साहब। अब जब ये सबसे पहली बार इसको क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ भाई साहब, बीमार पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा। मैंने कहा था ना इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहला साइन फीवर, बुखार, ओके। चलो साहब, हो गया इसको इन्फेक्शन। अब जिस भी तरह का इन्फेक्शन जब पहली बार होता है, चाहे वो इन्फेक्शन कैसा भी हो, जब वो पहली बार होता है तो हमारा शरीर उसके प्रति, जैसे ये आया एंटीजन, क्या आया बेटा, एंटीजन बाहर से आने वाला पैथोजन, यानी कि पैथोजन रोगजनक, इसको आप पैथोजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, बात वही है, या इसको इन्फेक्शन कहते हैं। जब भी आएगा
तो इसके प्रति अगेंस्ट में इसके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे क्या बनेगा इसके प्रति? इस पैथोजन को क्या कहते हैं? ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी बना दी। अब बना ली, ये ठीक हो गया, लेकिन इसके शरीर ने तो बना ली ना, ये जीवन भर नहीं भूलेगा इस इंफेक्शन को, पता है? यानी कि जो अर्जित की हुई मेमो एक्वायर्ड वाली इम्यूनिटी बनती है, वो इम्यूनिटी मेरे दोस्त इस सिद्धांत पे काम करती है। यादाश्त या मेमोरी के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगर वापस से ये फर्स्ट टाइम हुआ था इसको, भविष्य में कभी सेम पैथोजन सेम इंफेक्शन वापस से इस पे अटैक करता है, काफी हद तक इससे सामना करने की क्षमता इस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगी। यानी इसके प्रति एक मेमोरी बन चुका था इसके अंदर। यस और नो? अरे यस और नो? तो ये है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसे काम करता है इसका शरीर? दो प्रकार की सेल्स मेमोरी का कार्य करती है। एक होती है बी सेल, एक होती है टी सेल। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यानी हमारे ब्लड के अंदर, किसके अंदर? तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाओं को, सफेद रक्त कणिकाओं को और प्लेट के जैसी सेल को। डेंगू में कौन सी कम होती है? एनीमिया में। इन्फेक्शन होने पे कौन सी बढ़ेगी? किसी की ब्लड रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो रहा है। डब्ल्यूबीसी तभी बढ़ता है जब इन्फेक्शन। तो ब्लड रिपोर्ट देख लोगे आप किसी की, आरबीसी घट रही है तो मतलब उसको खून की कमी है। डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई आ रही है मतलब इन्फेक्शन है। प्लेटलेट घटा हुआ आ रहा है मतलब ब्लीडिंग हो सकती है उसको, डेंगू हो सकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरी अग्रेन्यूलोसाइट। कौन कौन सी? ग्रेन्यूलोसाइट जो सेल्स होती हैं, ये तीन प्रकार की होती है, एसिडो फिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक, इधर से अग्रेन्यूलोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसाइट, कौन सी, और दूसरी होती है बेटा लिम्फोसाइट। कौन सी? लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं अभी। ये दोनों मेमोरी का कार्य करेगी। इससे जो इम्यूनिटी मिलेगा वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाता है। कौन सा? ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि जलाशयों की रक्षा करती है ये। इससे जो इम्यूनिटी मिलेगा वो सेल्यूलर इम्यूनिटी कहलाता है, यानी कि कोशिकीय इम्यूनिटी। ओके, हमारे शरीर की मेमोरी जो बनती है, प्रतिरक्षा मेमोरी जो बनती है, वो कौन सी इम्यूनिटी है? अर्जित की हुई इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अर्जित इम्यूनिटी कौन सी सेल किस सिद्धांत पे काम करती है? मेमोरी के सिद्धांत पे। कौन सी दो कोशिकाएं? बी से कौन सा और टी से? आप बात समझ गए पूरी?
तो दो प्रकार की इम्यूनिटी, सबको क्लियर? अब सुना दूं यहां तक, रिवीजन करवा दूं?